सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि ये है फुलर जोधपुर रूट की फोर्थ डबलिंग अपडेट का पार्ट 3, जो कि हमारा होने वाला है आज गाचीपुरा स्टेशन से लेके गौतान स्टेशन तक का। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दे दी थी नावा से लेके गाचीपुरा तक की डबलिंग अपडेट, वो भी डिटेल में। तो चलिए फिर गाचीपुरा से आगे बढ़ते हैं हम गौतान की तरफ। पार्ट 3 में हम गौतान तक की ही बात करने वाले डबलिंग अपडेट की। और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, जो ट्रेन है वो गाचीपुरा से डिपार्चर ले चुकी है। और आपने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में देखा और पिछले वाली वीडियो के लास्ट में देखा कि गाचीपुरा स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म, मतलब नया वाला प्लेटफॉर्म जो बन रहा है गाचीपुरा का, उधर जो है ट्रैक्स वहाँ पे बिछा दिए गए हैं। हालांकि उन ट्रैक्स को अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं किया गया है, मतलब कि जो ट्रैक्स के ऊपर दूसरी बैलेस्ट लेयर बिछाई जाती है, फाइनल बैलेस्ट लेयर, वो अभी तक उन पर नहीं बिछाई गई है। लेकिन चलो, इतनी इस बात की तो तसल्ली है कि हमें कि कम से कम गाचीपुरा स्टेशन के नए वाले प्लेटफॉर्म की तरफ नई वाली लूप लाइन के ट्रैक्स बिछा दिए गए हैं, जो कि जून के महीने में नहीं बिछाए गए थे। और इसके अलावा बात करें अगर गाचीपुरा स्टेशन के नए वाले प्लेटफॉर्म की, तो अगर आपने स्टार्टिंग में नोटिस नहीं किया तो आप जाके वापस नोटिस कर सकते हैं। वहाँ पे गाचीपुरा स्टेशन का जो नया वाला प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है अभी, मतलब उसका जो फ्लोर बनाने का काम है मेनली, वो अभी तक नहीं हुआ है वहाँ पे। और यहाँ पे हम कर चुके हैं गाचीपुरा का मेन कॉलिंग ऑन सिग्नल क्रॉस, और ट्रेन बढ़ रही है धीरे धीरे डेगाना जंक्शन की तरफ। एंड आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो गाचीपुरा की मेन लाइन है उसको नई वाली मेन लाइन से कनेक्ट अभी तक नहीं किया गया है। बात करें अगर सिग्नलिंग सिस्टम वगैरह की, तो सिग्नल जो है नए लगाए जा रहे हैं यहाँ पे नई वाली लाइन पे, लेकिन उनमें अभी तक वायरिंग वगैरह का काम हुआ है यानी इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। एंड गाचीपुरा से लेकर डेगाना तक ट्रैक्स ऑलरेडी बिछाए जा चुके हैं, बैलेस्ट लेयर भी बिछाई जा चुकी है प्रॉपर, सेकंड और फर्स्ट दोनों बैलेस्ट लेयर। और नए वाले ट्रैक्स की वेल्डिंग करने का काम जो है वो चल रहा है गाचीपुरा से डेगाना के बीच में जगह जगह पे। एंड अब चलते हैं सीधा डेगाना जंक्शन के आउटर पे, और यहाँ पे भी वही सेम सीन, नई वाली मेन लाइन को पुरानी वाली मेन लाइन से यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। एंड जब भी ये काम यहाँ पे किया जाता है तब प्रॉपर 5-6 घंटे का आराम से एक लंबा ब्लॉक लिया जाता है, और ट्रेनों की आवाजाही बिल्कुल रोक दी जाती है क्योंकि ट्रैक्स वगैरह सब उखाड़ने पड़ते हैं दोनों मेन लाइन को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो ये काम थोड़ा सा मतलब टाइम लेने वाला काम है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं डेगाना जंक्शन की तरफ। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ मशीनें सामने खड़ी हुई हैं जो कि ट्रैक्स को स्टेबल करने का काम करती हैं, जो ट्रैक्स मतलब उबड़ खाबड़ होते हैं उनको एक लेवल में लाने का काम करती हैं। यहाँ पे एक क्रेन खड़ी है और सामने ट्रैक मेंटेनेंस मशीन खड़ी हुई है। एंड डबलिंग के काम के चलते डेगाना जंक्शन के पूरे यार्ड को उधेड़ा हुआ अच्छे तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, जगह जगह स्लीपर्स पड़े हैं, जगह जगह ट्रैक्स पड़े हुए हैं उखाड़े हुए, और जगह जगह जो है मशीनें वगैरह खड़ी हुई हैं, यहाँ पे कोचेस खड़े हुए हैं। तो इन सबको देखकर एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है माइंड को कि चलो कम से कम यहाँ पे डबलिंग का काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है। वरना फुलेरा मखराना सेक्शन को देखकर तो ऐसा एहसास होता है कि डबलिंग का काम जो है इंसानों से नहीं बल्कि यहाँ पे भूतों से करवाया जा रहा है। बाकी आगे आप देखिए डेगाना जंक्शन के यार्ड में क्या एक्टिविटीज चल रही है डबलिंग के काम को लेकर के। एंड मैं आपसे मिलता हूँ डेगाना जंक्शन के डिपार्चर के बाद। वैसे एक चीज़ यहाँ पे पूरे रूट पे नोटिस करी जाने वाली है कि जो पुराने वाले सिग्नल्स हैं उनके जस्ट पीछे बिल्कुल नए सिग्नल्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा अभी। और मेरे को लगता है कि इस पूरे रूट पे जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाएगा, शायद इसलिए पुराने सिग्नल्स को नए सिग्नल से यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है। सो गाइस, ट्रेन जस्ट डेगाना से डिपार्चर ले चुकी है और प्लेटफॉर्म खत्म होते ही आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जमीन पे खुदाई का काम चल रहा है, जेसीबी वगैरह सब लगी हुई है खुदाई करने में। तो यहाँ पे चल क्या रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि डेगाना जंक्शन पे जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म वाली लाइन है जिसको आप यहाँ पे साइड में देख पा रहे हैं, ये है डेगाना जंक्शन की मेन लाइन, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 3 वाली अभी तक जो है वो लूप लाइन हुआ करती थी। लेकिन अब क्या होने वाले कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की लाइन है उसको पूरा का पूरा उखाड़ दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रैक्स को बीच में से उखाड़ा गया है, और जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 वाली लाइन है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा आप मेन लाइन में। तो ये जो आप प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ से आती हुई लाइन को मेन लाइन में मर्ज होते हुए देख रहे हैं, इसको बाद में यहाँ से उखाड़ दिया जाएगा। और जो आप यहाँ पे स्टॉप बैरियर देख रहे हैं अभी सिग्नल के पास में, ये वाला स्टॉप बैरियर वाली लाइन और जो आगे वाला स्टॉप बैरियर आपको दिख रहा है, इन दोनों लाइनों को आपस में जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा, और इस लाइन को जो है आगे तक मेन लाइन बना के ले जाया जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए आप कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 वाली लाइन जो अभी तक डेगाना जंक्शन पे लूप लाइन हुआ करती थी उसको जो है अब फाइनली मेन लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ से एक लाइन आती हुई देख रहे हैं जो कि मेन लाइन में एक बार फिर से मर्ज हो रही है। तो ये वाली जो लाइन है वो भी जो दूसरी वाली मेन लाइन बनेगी, नई वाली मेन लाइन, उसमें जाके ये मर्ज हुआ करेगी, इस वाली मेन लाइन में अब ये मर्ज नहीं हुआ करेगी। सो गाइज, आई होप कि जो भी मैंने आपको बातें बताई है डेगाना जंक्शन की वो सब आपको समझ में आ गई होंगी।
वैसे ज़रूरी नहीं है कि सेम जो मैंने बताया वही हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया है, लेकिन एक बार यहाँ पे कंफर्म है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 की लाइन को जो है वो मेन लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और डेगाना से रेन स्टेशन तक की बात करें तो पिछली वाली अपडेट में यानी कि जून के महीने की अपडेट में मैंने आपको बताया था कि रेन से लेके जो जालसू स्टेशन है उस सेक्शन पे नए वाले ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था, और डेगाना से लेके जो जालसू नानक स्टेशन आता है उधर भी पूरी तरीके से ट्रैक्स बिछाए नहीं गए थे। तो अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि डेगाना से लेके रेन स्टेशन तक कंप्लीट ट्रैक बिछाए जा चुके हैं। हालांकि ट्रैक्स पे कई कई जगह बेलस्टर की सेकेंड लेयर बिछाई जानी बाकी है अभी, और ट्रैक्स को वेल्डिंग वगैरह करने का काम यहाँ पे चल रहा है डेगाना से लेके रेन स्टेशन के बीच में। और ट्रेन अभी पहुँच चुकी है यहाँ पे लगभग रेन स्टेशन, और रेन के आउटर पे आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रैक्स को उनके बेलस्ट लेयर के साथ बिछा दिया गया है प्रॉपर, एंड नई वाली मेन लाइन को जो है पुरानी वाली मेन लाइन से अभी तक कनेक्ट नहीं किया गया है। एंड थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर मैं आपसे बाद में रेन स्टेशन के नए वाले प्लेटफॉर्म की अपडेट की बात करता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं जो रेन का नया वाला प्लेटफॉर्म है वो लगभग बनकर तैयार हो चुका है, कंप्लीट फिनिशिंग भी उसकी हो चुकी है, बस वहाँ पे पेंट का काम करना अभी बाकी है। एंड आप साइड में देख रहे होंगे प्लेटफॉर्म की साइड में कि जमीन को प्लेन किया जा चुका है पूरी तरीके से, एंड जल्दी ही वहाँ पे भी ट्रैक्स वगैरह सब बिछाए जाने लगेंगे। और क्योंकि यहाँ तक इतना काम हो ही चुका है नए ट्रैक्स बिछाए जाने का, तो मेरे को लगता है कि रेन स्टेशन के नए वाले प्लेटफॉर्म पे भी जल्दी ट्रैक्स बिछाए जाएंगे। एंड सामने आपको दिख रहा होगा कि रेन स्टेशन के नए वाले प्लेटफॉर्म पे जो है आरओपी का कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है, तो जल्दी आपको इन फ्यूचर रेन स्टेशन पे एक नया रेल ओवर ब्रिज भी देखने को मिलने वाला है। खेदुली स्टेशन क्रॉस करते ही आप ऊपर देख पाएंगे 3 महीने पहले वाली इमेज में कि वहाँ पे ट्रैक्स नहीं बिछाए गए थे, लेकिन अभी 3 महीने बाद यहाँ पे ट्रैक्स बिछाए जा चुके हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि 3 महीने में यहाँ पे डबलिंग के काम में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। यह है खेदुली स्टेशन का कॉलिंग ऑन सिग्नल, और ऊपर आप इमेज में देख सकते हैं कि 3 महीने पहले यहाँ पे बेलेस्ट लेयर बिछाई जा रही थी और अभी 3 महीने बाद यहाँ पे ट्रैक्स कम्प्लीटली बिछाए जा चुके हैं। और ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि 3 महीने में जहाँ मेरता रोड से लेकर खेदुली तक कहीं भी ट्रैक्स नहीं बिछाए गए थे वहाँ अब कम्प्लीट ट्रैक बिछाए जा चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरता रोड के आउटर पे सेम लोकेशन पे 3 महीने पहले कोई भी ट्रैक्स नहीं थे और यहाँ पे अब ट्रैक्स बिछाए जा चुके हैं। नए ट्रैक्स बिछाने का काम अभी तक सिर्फ मेरता रोड के आउटर केबिन तक ही किया गया है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पास में यहाँ पे बेलेस्ट लेयर बिछाई जा चुकी है, पास में स्लीपर्स पड़े हैं। इसका मतलब साफ है कि दिसंबर के महीने तक आपको इस जगह भी जो है ट्रैक्स बिछे हुए दिखाई देने लगेंगे। और अभी बढ़ते हैं हम सीधा आगे मेरता रोड स्टेशन की तरफ, एंड उसके आगे की क्या अपडेट है वो मैं आपको मेरता रोड के डिपार्चर के बाद बताता हूँ।
सो गाइस, ट्रेन अभी डिपार्चर ले चुकी है मेरता रोड जंक्शन से, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरता रोड के प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाली लाइन जो है उसको मेन लाइन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन फ्यूचर। एंड मेरता रोड को क्रॉस करने के 500-600 मीटर तक कोई भी डबलिंग का काम यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, लेकिन 500-600 मीटर बाद आप देखने वाले हैं कि वहाँ पे डबल लाइन बिछाई जा चुकी है। एंड बात करें अगर मेरता रोड से लेकर गोतान तक की, जो कि टोटल 19 किलोमीटर का सेक्शन है, तो मेरता रोड से गोतान के बीच में एक स्टेशन आता है जिसका नाम है जोगी मागरा स्टेशन। और मेरता रोड से जोगी मागरा तक, जो कि टोटल 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो पहले 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच तक जो है प्रॉपर ट्रैक्स बिछाए जा चुके हैं, एंड अगले 2.5 से 5 किलोमीटर के बीच जो है सिर्फ ट्रैक बिछाए गए हैं, बैलेंस लेयर नहीं बिछाई गई है। उसके बाद 5 से लेकर 7 किलोमीटर या 7.5 किलोमीटर मान सकते हो आप, वहाँ पर बैलेंस लेयर बिछाई जा चुकी है, सिर्फ वहाँ पर ट्रैक बिछाया जाना बाकी है। एंड अगले 7 से लेकर 10 किलोमीटर तक जो है आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है डबलिंग का, मतलब से जमीन को प्लेन किया गया है। बाकी ये सिर्फ मैंने ओवरव्यू दे दिया है सेक्शन का, आप आगे वीडियो देखिए, आपको सारा काम जो है सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो गाइज, मेरता रोड से लेकर गोतान तक की आपने टाइमलेस वीडियो देखी तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे कितना काम हो चुका है डबलिंग का। और मार्च के महीने में जब मैंने आपको अपडेट दिया था तो उस टाइम यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ था मेरता रोड गोतान सेक्शन पे, सिर्फ जमीन को प्लेन किया जा रहा था। तो इन 6 महीनों में मेरता रोड से गोतान सेक्शन, जो कि टोटल 19 या 18 किलोमीटर का सेक्शन है आई गेस, तो इस 19 किलोमीटर के सेक्शन पे 75% ट्रैक्स बिछा दिए गए हैं, बाकी जल्दी 3 महीने में बिछा दिए जाएंगे। और गोतान से लेकर मकराना तक जितनी तेज़ी से काम चल रहा है उसको देख के मुझे लगता है कि सबसे पहले गोतान से लेकर मकराना तक डबलिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही जल्द, अगले 3 से 4 महीनों के बीच में। उसके बाद गोतान मकराना के बीच सिर्फ सिग्नलिंग का काम बचा रह जाएगा, एंड लेट्स प्रे कि गोतान से लेकर मकराना तक जल्दी डबलिंग का काम कंप्लीट हो जाए, इसका CRS हो जाए, और अगले साल मार्च के या अप्रैल के महीने से इस नए वाले ट्रैक पर ट्रेनें जल्दी से दौड़ने लग जाएं। बाकी गाइस, ये था मेरी तरफ से गाचीपुरा से लेकर गोतान तक की डबलिंग अपडेट, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, एंड आपके क्या विचार है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइए। इसके बाद मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और नेक्स्ट वीडियो में इस जोधपुर फुलेरा 4th डबलिंग अपडेट के फाइनल पार्ट के साथ, जो कि होगा हमारा जोधपुर के रायकाबाग पैलेस से लेके गोतान स्टेशन तक का डबलिंग अपडेट। तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जोधपुर गोतान सेक्शन की डबलिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।